होती है, लेकिन हम उस चीज को पहचान नहीं पाते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। कहते हैं परमपिता परमेश्वर ने सभी को एक अवसर प्रदान किया हुआ है, जिसने इस अवसर को पहचान लिया वो सफल हो गया, और जिसने इस अवसर को नहीं पहचाना वह असफल हो गया। वह व्यक्ति निरंतर पत्थर पर चोट मारता रहता है और पत्थर के टुकड़े नहीं होते हैं। सफलता भी हमारे आसपास ही होती है, लेकिन हम भ्रम बस यहाँ वहां दौड़ते रहते हैं, ये काम ठीक नहीं है, हम इसमें हमको सफलता नहीं मिल रही है, हमें दूसरा काम करना चाहिए, और हम सिर्फ अपना समय बर्बाद करते हैं और किसी भी कार्य को मन लगाकर कार्य नहीं करते हैं। अगर वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति 99 बार चोट मारता है, वो रॉयल्टी के करीब होना हो बिल्कुल पहुंच चुका है, पत्थर की चोट 100वें चोट में टूटता, पत्थर 100वें चोट में टूटता है और रॉयल्टी भी हमको 100वें बार ही मिल रही है, लेकिन अगर हम अज्ञानता रखेंगे, यहाँ वहां भटक जाएंगे, तो हम वो 99 बार जो चोट की हुई है और पत्थर नहीं तोड़ा हुआ है, तो हमारा वो परिश्रम निश्चित तौर पर असफल हो जाएगा। हमें लगातार इस बिजनेस में रुके रहना है और उस व्यक्ति की तरह ध्यान रखना है कि वह व्यक्ति लगातार प्रयास करके 100वीं चोट में पत्थर टूट गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100वीं चोट पर पत्थर टूटा हुआ है, उसका पहली चोट भी उसमें असर किया हुआ है। तो इस बिजनेस में हम जितने लोग के भी साथ मिलें, सकारात्मक सोच के साथ आएं और अपने बिजनेस की उपलब्धियों को सही तरीके से बताएं, उसकी गुणवत्ता को बताएंगे, तो हम सब सफल अवश्य होंगे सर। और जैसा कि आज 6 कोर स्टेप 6 बेसिक स्टेप के बारे में बताना है, और मैं कोशिश करूंगा जितना भी हो सके मैं उसको बताने को अच्छी तरीके से आपके सामने रखूंगा। किसी भी चीज का, जैसे मान लीजिए कि हमको एक अपना भवन बनवाना है, तो भवन की पहले हमें प्लानिंग करनी होती है, पहले हमें उसके मटेरियल की व्यवस्था करनी पड़ती है, पहले उसके लिए अच्छे इंजीनियर से एक नक्शा पास कराना पड़ता है, तभी हमारा भवन मजबूत होगा। पहले हम उसका नींव भरते फाउंडेशन तैयार करते हैं, फिर कुछ समय देते हैं, इसके बाद दीवार को उठाते हैं। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर हम अपने भवन को तैयार करेंगे तो भवन हमारा मजबूत होगा। उसी प्रकार से अगर हम 6 बेसिक का अनुसरण करेंगे और उसको सही तरीके से प्रयोग में लाएंगे, तो हम इस बिजनेस की बहुत बड़ी ऊंचाई पर जाएंगे। तो उसका पहले नंबर का स्टेप है उत्पाद का उपयोग करें और उत्पाद बेचें। जो प्रोडक्ट हमारे आरसीएम ब्रांड में आए हुए हैं, सबसे पहले तो हमें उसका उपयोग स्वयं करना चाहिए। जब किसी भी चीज को हम निरंतर उपयोग करेंगे तो उसकी कमी और फायदे को हम अच्छी तरीके से महसूस करते हैं। सामने वाले को हमने ये बता दिया कि हमारे आरसीएम में आने से आपको ये फायदा होगा, इसके प्रोडक्ट ऐसे हैं, इसके प्रोडक्ट वैसे हैं, अभी हमने खुद ही उसका उपयोग सही तरीके से नहीं किया हुआ है, तो उसकी क्वालिटी हम किस प्रकार से बता सकें। सामने वाला हमसे कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य पूछे, क्योंकि आज का जो समय है, व्यक्ति बहुत जागरूक हो चुके हैं, बहुत सारे उनके पास साधन हैं, किसी भी साधन से उसकी गुणवत्ता को वो पहचान सकते हैं, और अगर गुणवत्ता को पहचान भी ले, उनको मालूम है, अगर गुणवत्ता को हम पहचानेंगे तो हमारा आरसीएम का ब्रांड जो है प्लस ही होगा, उसमें कहीं माइनस होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लोगों की मानसिकता को समझाना, लोगों की मानसिकता को समझना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि अगर किसी ने हमारे सामने कोई प्रश्न रखा हुआ है तो हम उसका उत्तर उसे किस तरीके से दे सकें, उसको हम किस तरीके से संतुष्ट कर सकें, इसका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर हम प्रोडक्ट को सही तरीके से उपयोग करेंगे तभी हम उसको मार्केट में सही तरीके से बेच सकते हैं। ये होता है 6 बेसिक का पहले नंबर का स्टेप। दूसरा होता है अपने सपने और अपने ज्ञात लोगों की लिस्ट बनाएं, सूची बनाइए। मैं एक सूची बनाने का मतलब मैं ये बता रहा हूं कि सूची का मतलब ये नहीं होता है कि हमको ये बोला गया, जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि आप एक पेन डायरी में अपने जितने जानने वाले लोग हैं उनकी लिस्ट बनाइए। हम बोलते ठीक है, हमने बना लिया है, बना लिया है,
बोले कहाँ बना लिया है, बोले हमारे पास बनी हुई है। बोले कितने लोग की बनी, बोले बहुत लोग की बनी हुई है। हम इसको सर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। हमारे एक जान पहचान के व्यक्ति थे और उनके पिताजी का रिटायरमेंट था, तो सर शहरों में रिटायरमेंट को एक ओकेशन के रूप में, एक खुशी के रूप में लोग मोल लेते हैं। एक व्यक्ति इतने साल तक सर्विस की हुई है, इतने साल तक लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, तो आज उसका अंतिम कार्य करने का दिन है, तो उसको एक फंक्शन किया जाए, एक त्योहार के रूप में मनाया जाए, ताकि उसके अंदर में फीलिंग नहीं आने पाए कि आज मैं इस अपने कार्य से सेवानिवृत्त हो रहा हूं। तो उनके लिए उनको बोला गया कि भाई पहले आप अपनी लिस्ट तैयार कर लीजिए कितने लोग आपके इस कार्यक्रम में आएंगे। तो उनके जो करीबी थे, उनके दामाद जी थे, उन्होंने बोला हमारे पास तो लिस्ट बिल्कुल तैयार नहीं। उनके दामाद ने, उनके बेटे ने कहा हुआ कि हमारे पास पूरा, हमारे दिमाग में पूरा फीड, हमें कितने लोग को बताना है, कितने लोग को बुलाना है, और ऐसे करते रह गए। और जब उनको लास्ट दिन पूछा गया कि आपकी लिस्ट तैयार है, उन्होंने बोला बिल्कुल लिस्ट तैयार है हमारी। और जब लोग का आना चालू हुआ, उन्होंने 200 लोग की लिस्ट का अनुमान लगाया हुआ था और 350 लोग आ गए सर। अब सब परेशान हो गई, व्यवस्थाएं तो उस तरीके से 200-250 की बना के रखी हुई थी, लेकिन जब 350 लोग आ गए तब समझ में आया कि हमने अगर लिस्ट पे काम किया हुआ होता तो आज हमें इस समस्या का सामना ना करना होता। तो सबसे पहले सर हमें लिस्ट बनाने की जरूरत है। लोग कहते हमारे मोबाइल में तो बहुत सारे लोगों का नाम है, जब हमको आवश्यकता होती है, मान लीजिए कि हमारा मोबाइल खराब हो गया, हमारा मोबाइल चोरी हो गया, तो क्या हमारे पास लिस्ट होगी? हमने अपने दिमाग में फीड कर लिया है कि हमारी इतनी लिस्ट है। अगर मान लीजिए कि उस समय हमारा दिमाग नहीं चला हुआ, क्योंकि मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है, जो दिखता है वही बिकता है, जो इस बिजनेस में बताया गया है, जब हमारे पास कोई चीज आती है तो हमारे दिमाग में रहती है, और जैसे ही हमारे उस काम से अलग होते हैं वो चीज हमारे दिमाग से अलग हो जाती है। तो लिस्ट बनाना है सर, हमको डायरी और पेन रखना है, और जितने भी लोग हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले, हमारे पिताजी के रिश्तेदार, हमारे पिताजी के दोस्त जो होते हैं, दूध वाला, सब्जी वाला, जितने लोग से भी हम ज्यादा से ज्यादा संपर्क कर सकें। कहते हैं जितनी बड़ी लिस्ट हमारी होगी उतना बड़ा हमारा बिजनेस होगा। लिस्ट छोटी होगी तो बिजनेस छोटा होगा। हमारे पास 50 लोग की लिस्ट है और 50 में सिर्फ 2 लोग, हमने 50 को फोन लगा लिया, 50 से बात कर ली, उसमें से 2 लोग ही आए हुए हैं, तो 48 लोग तो हमारा काम खत्म कर दिए ना। अगर हमारी लिस्ट 100 होगी तो हम 10 लोग को चूज कर सकते हैं, अगर इसने ना ही कर दिया तो ये तो हमारी बात को सुनेगा। जैसे मार्केट में टमाटर लेने जाते हैं, अगर टमाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो हम टमाटर को अच्छा अच्छा टमाटर ले लेंगे, और जब टमाटर की क्वांटिटी ही कम होगी तो जो भी सड़े पिलपिले होंगे वो हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि उस समय उसकी हमको आवश्यकता होती है। तो जो सेकेंड स्टेप है लिस्ट पर काम करना, उस इस आरसीएम बिजनेस में उसके बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तीसरा होता है लोगों से संपर्क करें और उन्हें आमंत्रित करें। अगर हम इस बिजनेस में खुद हैं तो लोगों से ज्यादा लोग हमको संपर्क करना है और उन्हें इस बिजनेस की खूबियत को, खासियत को हमें बताना है, और उनको भी इस बिजनेस में लाने की हमें बहुत प्रयास करना चाहिए। आना नहीं आना बात की बात है, लेकिन हमें प्रयास तो निरंतर करते रहना चाहिए। चौथा है व्यवसाय योजना या उत्पाद दिखाएं। हमारे फाउंडर्स श्री त्रिलोकचंद छावड़ा जी ने जो इस व्यवसाय के बारे में हमको बताया हुआ है, इस व्यवसाय में हम किस तरीके से जुड़ सकते हैं और किस तरीके से हम इसमें सफल हो सकते हैं, इसकी योजना भी हमें अपने साथियों को बताना चाहिए। और साथ में हमारे पास इसके प्रोडक्ट का एक किट होना चाहिए, ताकि हम उस किट के माध्यम से लोगों को सही तरीके से समझा सकें। मान लीजिए हम किसी के पास प्लान बताने जाते हैं, प्लान तो दिखा दिया, लेकिन उसकी गुणवत्ता, प्रोडक्ट की गुणवत्ता, सामने वाला बोलेगा अरे हो गया, किताब में बता दिया, हमें तो सामान को देखा ही नहीं है। अगर हमारे पास किट होगा तो हम उसको, दोनों चीज हमारे पास होगी। जिस प्रकार से स्कूल में होता है, जब टीचर क्लास में आते हैं तो उनके पास एसेंशियल चीजें जो होती है,
पेन, वो उनके पास एक श्यामपट होना चाहिए जिसको ब्लैक बोर्ड बोलते हैं, एक उनके पास लिखने के लिए मार्कर होना चाहिए, और उसके पास डायरी होनी चाहिए, डेली डायरी होती है, कुछ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स होता है, उसके माध्यम से जब शिक्षक बच्चों को पढ़ाएगा तो निश्चित तौर पर बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। उसी प्रकार से हमारे पास भी वो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स होना चाहिए, और टूल्स एंड इक्विपमेंट्स में हमारे पास मार्केटिंग प्लान के साथ साथ हमारे पास प्रोडक्ट भी होना चाहिए, तभी हम अपने बिजनेस में सही तरीके से सफल हो सकते हैं। और पांचवा है 48 घंटे के भीतर फॉलो अप करें। 48 घंटे का एक समय दिया गया है कि अगर हमने किसी को प्लान बताया हुआ है, किसी को प्रोडक्ट दिखाया हुआ है, यूज कराया हुआ है, तो हमें उसे छोड़ नहीं देना चाहिए कि अरे उससे तो हम कल ही मिले थे, परसों ही मिले थे, थोड़ा वो समझ ले उसके बाद हम मिलेंगे। जितना हम देर करेंगे उतना ही व्यक्ति हमसे दूर हो जाए, इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम उसका रिव्यू लें और उसको इस बिजनेस में आने के लिए आमंत्रित करें। और छठवां होता है ज्वाइनिंग कराएं और उन्हें भी सिक्स बेसिक से शुरुआत कराएं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इस आरसीएम परिवार में हम जितने से जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को ला सकें उतना ही हम सफल हो सकते हैं, सामने वाला सफल हो सकता है। कहते हैं कि अगर हम कहीं पर जाते हैं तो पहले पहुंचेंगे तो पहली सीट मिलेगी, लास्ट में जाएंगे तो लास्ट में सीट मिलेगी। अगर हम पहले आ जाते हैं तो अपने लिए कार्य करेंगे, और अगर पीछे आएंगे तो दूसरों के लिए कार्य करेंगे। तो सर ये था सिक्स बेसिक, और जितना कोशिश हो सका है मैंने बताने का प्रयास किया हुआ है, जितना सीखा हुआ उतना बताने का प्रयास किया हुआ हूँ, जो भी कमी हो उसको सामने रखा जाए, निश्चित तौर पर हर दिन कुछ ना कुछ इसमें बढ़ोतरी होगी। धन्यवाद, जय आरसीएम। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा आप बताए।